बड़ी खबर है, सीएम योगी ने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ संवाद किया है। सावधानी और सतर्कता ही कोरोना संक्रमण से बचाव है, ये कहा है मुख्यमंत्री ने। पीएम के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ सफल लड़ाई लड़ी गई। कोविड-19 की पहली लहर को रोकने में यूपी सफल रहा। उन्होंने ये भी कहा है कि सभी को मिलकर कोरोना संक्रमण से लड़ना है। सीएम ने मंत्रियों को अपने जिले और विधानसभा इलाकों में सक्रियता दिखाने के निर्देश दिए। बड़ी खबर, सावधानी और सतर्कता ही कोरोना संक्रमण से बचाव है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ सफल लड़ाई लड़ी गई। पहली लहर को रोकने में यूपी सफल रहा। मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ उन्होंने वर्चुअल संवाद किया है। सावधानी और सतर्कता की बात कही है कोरोना संक्रमण से बचाव की। कहा है कि पीएम के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ सफल लड़ाई लड़ी गई। पहली लहर में सफल रहा उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, लेकिन दूसरी लहर में 24 घंटे में क्या आंकड़े सामने आए हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। यूपी में तेजी से फैल रहा है कोरोना, जी हां, तेजी से कोरोना फैल रहा है और 24 घंटे में 13,685 नए मरीज सामने आए। 24 घंटे का आंकड़ा, 13,685 नए जो है केसेस, 24 घंटे का आंकड़ा, और एक्टिव केसेस की संख्या 82,000 के करीब पहुंच गई। 24 घंटे में कोरोना से 72 लोगों की जान चली गई उत्तर प्रदेश में। 72 लोग जिंदगी की जंग हार गए कोरोना के आगे, घुटने टेके उनकी जान चली गई है। और लखनऊ बात करें तो सबसे प्रभावित जिला है, सबसे ज्यादा प्रभावित राजधानी लखनऊ ही है कोरोना से। यूपी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कुछ फैसले लिए गए, जिसमें कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल और कॉलेजेस 30 अप्रैल तक बंद कर दिए गए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हम इस दौरान कोचिंग सेंटर भी बंद रखेंगे, तो कोचिंग सेंटर्स भी बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिन हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होंगे। हालांकि पहले फेज की तारीफ की कि पहले चरण में यूपी ने अच्छा किया, लेकिन दूसरे चरण में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और चिंता वाली बात यह है कि जो एक्टिव केसेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक होने वालों की संख्या कंपेरेटिव तुलनात्मक कम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धर्म गुरुओं से भी संवाद करने वाले हैं आज, और लखनऊ में यह संवाद का कार्यक्रम जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा, और कोरोना के संक्रमण को रोकने पर बातचीत होगी कि धर्म गुरुओं का कैसे सहयोग लिया जा सकता है, कैसे उनके जरिए उनके अनुयायियों तक, उनके मानने वालों तक की बात पहुंचाया जाए, कोरोना संक्रमण की गंभीरता को बताया जाए। तो कुछ बड़े निर्णय भी लिए गए हैं और ये भी संकेत स्पष्ट है कि अभी लॉकडाउन की तरफ उत्तर प्रदेश नहीं जा रहा, ये क्लियर कर दिया गया है कि ना ही वीकेंड लॉकडाउन ना ही लॉकडाउन। सर जिलेवार आंकड़ा देख लीजिए, सबसे ज्यादा लखनऊ से आंकड़ा 3,892, फिर वाराणसी का नंबर 1417, फिर प्रयागराज 1295 केसेस आए। लखनऊ में 3,892, वाराणसी में 1417, प्रयागराज में 1295 केसेस पिछले 24 घंटों में। ऐसे ही कानपुर में 716, गोरखपुर में 474 और मेरठ में 336 मामले सामने आए। ये है शहरवार स्थिति केसेस की। झांसी में 267, नोएडा में 239 और बलिया में 230 केसेस पिछले 24 घंटों में सामने आए। इस तरह से उत्तर प्रदेश में कोरोना बहुत तेजी से पांव पसार रहा, संक्रमण बढ़ता हुआ। और बड़ी खबर कौशाम्बी से, जिले में कोरोना संक्रमण का कहर जारी। आबकारी विभाग में कोरोना के चलते आबकारी सिपाही की मौत हो गई। बीएचयू में सिपाही का इलाज चल रहा है। इसके पूर्व आबकारी अधिकारी के ड्राइवर की भी मौत हो चुकी है। बहुत चिंताजनक स्थिति, आबकारी सिपाही की मौत की खबर आ रही है। बीएचयू में इसका इलाज चल रहा था कोरोना संक्रमण के चलते हुआ। इससे पहले ड्राइवर, आबकारी अधिकारी के ड्राइवर की भी मौत हो चुकी है। खबर कौशाम्बी से, कोरोना संक्रमण का कहर जारी वहां पर, आबकारी विभाग पर कहर टूटा। आबकारी सिपाही की मौत कोरोना संक्रमण से, इसके पहले आबकारी अधिकारी के ड्राइवर की भी मौत हो चुकी है। सिपाही का इलाज बीएचयू में चल रहा है। केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और किस तरह की सख्ती हो सकती है, क्या क्या एहतियात बरते जा रहे हैं, लोग नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बताने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से और नितिन हमारे साथ जुड़े हैं आगरा से। विवेक, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं।
प्रशासन की जिम्मेदारी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आम लोगों की है, क्योंकि पालन तो आम लोगों को करना है। क्या लखनऊ के लोग कोरोना के नियमों का पालन कर रहे हैं? क्योंकि केसेस जो आ रहे हैं उससे तो लगता है कि शायद लोग भी पालन नहीं कर रहे। कैमरा हो सकता है आगे आ रहा हो तो लोग नियमों का पालन कर रहे हो, लेकिन लोग पीठ पीछे नियमों का पालन नहीं कर रहे। जी राजीव, आपका आकलन बिल्कुल सही है। जब कैमरा देखते हैं लोग तो मास्क लगा लेते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग ठीक है। विवेक का से हम बात करेंगे, अभी फिलहाल हम आगरा चलते हैं नितिन उपाध्याय के पास। आगरा में क्या फिलहाल स्थिति है पिछले 24 घंटों के नितिन, और लोग कितने जागरूक हैं, सतर्क हैं, प्रशासन कितना सतर्क है चीजों को व्यवस्थित करने के लिए, नियंत्रण में लेने के लिए? देखिए राजेंद्र, आगरा में जो स्थिति है लगातार भयानक से भयानक होती चली जा रही है। बीते रोज 130 मामले सामने आए हैं, 750 से ज़्यादा एक्टिव केस हो गए हैं। तुलनात्मक तौर पर देखा जाए तो राजधानी लखनऊ और अन्य शहरों में भले ही आंकड़े ज़्यादा हों, लेकिन आगरा में भी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। तमाम जो निजी अस्पताल हैं वहाँ पूरी तरह से बेड फुल हो चुके हैं। ऑक्सीजन की कहा जाए उसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। 2 या 3 टन जो ऑक्सीजन की खपत होती थी वो 14 से 15 टन होना शुरू हो गई है। और ऐसे में क्योंकि पूरे प्रदेश, पूरे देश में कोरोना फैला हुआ है, तो कई जगह से जो नोएडा या बाकी अन्य जगहों से जो ऑक्सीजन आती है उसकी भी कहा जाए बहुत ही एक मशक्क़त होना, एक बहुत ही प्रॉपर सप्लाई मिलना नहीं हो पा रही है। SN मेडिकल कॉलेज में भी ICU मिलने में दिक्कत हो रही है। हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि हमने एक अलग से कोविड का L3 कैटेगरी का अस्पताल हमने खोल दिया है SN मेडिकल कॉलेज में, और ऐसे में बेड अभी की क्राइसिस नहीं है, लेकिन फिर भी स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, जो निजी अस्पताल में है वो सेपरेट रूम चाह रहे हैं लेकिन उनको नहीं मिल रहा है। आगरा में पूर्व जो सांसद रहे हैं, बड़े कद के नेता समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन, वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। डिस्ट्रिक्ट जज, जिला जज, वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। इसके साथ ही ADA और जिला प्रशासन के कई सारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। इसके साथ ही कई सारे अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी, लगातार कोरोना संक्रमण फैल रहा है। नाइट कर्फ्यू की बात की जाए तो रात भर नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन किया गया, लगातार हूटर लगी गाड़ियाँ और लगातार बैरिकेड करके लोगों को रोका गया। जो अनावश्यक बाहर निकले हुए थे उनके चालान भी काटे गए, लेकिन मानवता के आधार पर कई सारे लोग ऐसे भी दिखे जो बीच रास्ते में फंसे हुए थे या ट्रेन पकड़ के घर जा रहे हैं, तो उनको हिदायत देकर छोड़ दिया गया। कुल मिला के कहा जाए अब सख्ती रात में नाइट कर्फ्यू में दिख रही है, लेकिन सवाल ये है कि जो सख्ती दिन में दिखनी चाहिए तब प्रशासन क्या करता है? जबरदस्त मार्केट में भीड़ उमड़ रही है, लोगों की जिम्मेदारी है इस चीज। देखिए आगरा की बात की जाए तो आगरा में तमाम ऐसे बाजार हैं, चाहे राजा मंडी बाजार हो, चाहे सुभाष बाजार हो, चाहे शाहगंज का मार्केट हो, यहाँ बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। सवाल यह है कि प्रॉपर चेकिंग चलाई जाए। हालांकि जिलाधिकारी और SSP आगरा मुनिराज ने अभी हाल ही में सागंज मार्केट और शाह मार्केट में लगातार दौरा किया और कई सारी दुकानों को भी बंद करा दिया था, और कहा था कि अगर आप मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करेंगे हम दुकान नहीं खोलने देंगे। तो प्रशासनिक जो सख्ती है वो अब काफ़ी स्तर तक बढ़ चुकी है, लोग भी काफ़ी स्तर तक फिक्रमंद नज़र आ रहे हैं। लेकिन कई सारे ऐसे भी हमने युवा देखे हैं, कई सारे ऐसे भी लोग देखे हैं, उनका कहता है कि कोरोना कुछ नहीं होता, इससे क्या हो रहा है, और ये चीज़ें केवल सब बकवास है, इस तरह की बहुत ही हल्की बातें करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब फिर उनको, उनके परिवार में किसी व्यक्ति को कोविड होता है, फिर जब वो इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि आगे कैसे इलाज मिलेगा। स्थिति इतनी नाजुक हो चली है कि जो RT-PCR की रिपोर्ट जो 24 घंटे में मिल रही थी वो रिपोर्ट अब 48 घंटे में भी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल का जो सैंपल है उसमें काफ़ी ज़्यादा उसके नंबर ऑफ प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो कुल मिला के इंफ्रा लेवल पे काफ़ी ज़्यादा काम आगरा प्रशासन कर रहा है, लेकिन फिर भी एक जिम्मेदारी लोगों की है, दूसरी तरफ प्रशासन की अपनी जिम्मेदारी है, और दोनों को अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करते हुए इस लड़ाई को लड़ना है। और पहले की अपेक्षा इस बार जो स्ट्रेन है वो ज्यादा घातक है, ज्यादा इन्फेक्शियस है, ज्यादा संक्रामक है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर वो अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो कोविड से लड़ाई अपने स्तर से ही शुरू होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को अपना ध्यान रखना है, प्रशासन को सतर्क रहना है, और इसी तरह से चीज़ें काबू में की जा सकती हैं। गोंडा की बात करेंगे, वहां कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए DM ने अगले आदेश तक नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया। इस दौरान पूरी तरह से सख्ती बरतने को भी कहा गया।
किसी भी तरह का कोई भी प्रतिष्ठान नहीं खुला रहेगा और जिले के सीमा के भीतर अनावश्यक प्रवेश पर भी रोक रहेगी। डीएम और एसपी ने नाइट कर्फ्यू के कड़ाई से पालन के लिए देर रात रात्रि भ्रमण किया और जरूरी निर्देश दिए। ना मैं जैसा कि डीएम साहब ने बताया कि नाइट कर्फ्यू रात्रि 9 से सुबह 6 बजे तक इम्पोज कर दिया गया है अग्रिम आदेश तक। उसी के तहत तमाम फोर्स डीएम साहब मेरे द्वारा एवं हमारे एडीएम साहब, एएसपी साहब, सारे सीओ साहिबान, एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट सबको लेके पूरे शहर क्षेत्र में 20-25 किलोमीटर का राउंड मार के ये जो नाइट कर्फ्यू है उसको इन्फोर्स कराया जा रहा है। साथ ही साथ हमारे जितने भी तहसील क्षेत्र हैं, सर्कल क्षेत्र है, सभी थाना क्षेत्र है, वहाँ पे हमारे थानाध्यक्ष, एसडीएम, सीओस के द्वारा नाइट कर्फ्यू जनपद गोंडाम पे इम्पोज कराया जा रहा है। जितनी सख्ती नाइट कर्फ्यू में दिखाए जा रहे उतनी ही सख्ती दिन के वक्त में भी दिखाए जाने चाहिए। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाना चाहिए, ये जिम्मेदारी प्रशासन की है। आगे बढ़ते हैं लखनऊ से बड़ी खबर। कोरोना के खौफ से पलायन कर रहे हैं श्रमिक और श्रमिकों की ये पलायन की तैयारियां हैं। श्रमिकों को वापस भेजने के लिए अब 18 अतिरिक्त बसें लगाई गई। ये एक बड़ी खबर। वो दौर याद कीजिए जो आज से ठीक एक साल पहले शुरू हुआ था। आपने पलायन देखा लोगों का, पैदल कई कई किलोमीटर लोग चले, हजारों किलोमीटर लोग पैदल चले, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चले। एक बार फिर से उस तरह की परिस्थितियां ना बने इसके लिए अतिरिक्त बसें लगाई गई 18 बसें। कैसरबाग बस अड्डे पर बड़ी संख्या में अब श्रमिक पहुंचे हैं, वो अपने घरों को जाना चाह रहे हैं। श्रमिकों की संख्या को देखते हुए बसों की संख्या बढ़ा दी गई है। विवेक हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, किस तरह के हालात हैं बस स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर? विवेक आपको हमारी आवाज मिल रही है? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण खबर है। ऐसा बताया जा रहा है कि एक बार फिर से श्रमिकों की संख्या बढ़ने लगे, श्रमिकों की संख्या बढ़ने लगी है। इसका मतलब यह है कि श्रमिकों तक ये संकेत है, उनको उन तक ये बातें हैं कि शायद अब चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। हो सकता है उनके प्रतिष्ठान, उनकी फैक्ट्रीज, उनकी कंपनियां बंद हो जाएं या हो सकता है कुछ जगहों पर बंद हो गई हो। विवेक का हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। विवेक, क्या स्थिति दिखाई दे रही है आपको बस अड्डे पर और ये कैसे श्रमिक हैं, किस प्रकार के, जो अपने घरों की ओर जाना चाहते हैं या कहीं मूव करना चाहते हैं लखनऊ से? फिलहाल शुक्रिया विवेक आपका। तक जो है आवाज नहीं पहुंच रही है। कैसरबाग बस अड्डे पर बताया जा रहा है कि श्रमिक पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में श्रमिक पहुंच रहे हैं। और आज से ठीक एक साल पहले आपको याद होगा कि छोटे छोटे बच्चों को कांधे पर बिठाकर, उनको पैदल चलवाकर, किसी को, किसी का बच्चा ट्रॉली पर सो रहा है, ये जो तस्वीरें आई थी, जो हृदय विदारक तस्वीरें आई थी, दुख देने वाली तस्वीरें आई थी, एक बार फिर से उस तरह की स्थितियां ना हो इसलिए ये अतिरिक्त बसें लगाई गई। आगे बढ़ते हैं, पंचायत चुनाव की बात करते हैं। उसके तीसरे चरण के लिए आज से नामांकन शुरू हो रहा है। आज और 15 अप्रैल को नामांकन की प्रक्रिया होगी। ग्राम पंचायत के प्रधान सदस्यों के लिए नामांकन किया जाएगा। क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के सदस्यों के लिए नामांकन होगा। 26 अप्रैल को 20 जिलों में चुनाव होने वाले हैं। इस तीसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए ये नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। आज और 15 अप्रैल को नामांकन होंगे, उसके बाद नाम वापस लेने के लिए भी समय दिया जाएगा और फिर नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी का भी एक दिन होगा। आज और 15 अप्रैल को नामांकन दाखिल किया जा सकेगा। ग्राम पंचायत के प्रधान, ग्राम पंचायत के सदस्य, क्षेत्र पंचायत के सदस्य और जिला पंचायत के सदस्य पदों के लिए 26 अप्रैल को चुनाव होने हैं 20 जिलों में। इसी के लिए यह नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे आज से। आज और 15 तारीख को वक्त मुकर्रर, तारीख मुकर्रर। तो आज और 15 अप्रैल को नामांकन की प्रक्रिया होगी और पहले चरण के लिए चुनावी शोर आज से थमने वाला है। आज आखिरी दिन है प्रत्याशियों के पास घर घर जाकर वोट की अपील करने का। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज से नामांकन शुरू हो रहे हैं और इस खबर पर उबैदुर रहमान हमारे सहयोगी मुरादाबाद से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। उबैदुर रहमान, कोरोना की जो सेकेंड वेव है ये और ज्यादा घातक है, लगातार केसेस आ रहे हैं और इससे पहले हमने देखा कि नामांकन दाखिल करने के लिए चाहे पहले फेज हो या सेकेंड फेज हो, बेतहाशा भीड़, ऐसी भीड़ जिसमें तमाम नियमों का उल्लंघन हुआ, इसमें कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाए गए, अधिकारियों के सामने उड़ाए गए,
अब इस चरण में नामांकन दाखिल करने के लिए प्रत्याशी आए, नियमों को पालन करें, इसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं और अब क्या क्या तैयारियां हैं? राजीव, मैं आपको बताऊं कि मुरादाबाद में आज से नामांकन शुरू हो रहा है, क्योंकि 26 तारीख को यहां पर तीसरे चरण में मतदान वोटिंग होनी है। तो आज मुरादाबाद में नामांकन शुरू हो गया है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि इस बार क्योंकि कोरोना संक्रमण की वजह से अब सख्ती जो है ज़िला प्रशासन ने कर दी है, जो प्रत्याशी नामांकन के लिए आ रहे हैं उनके साथ में सिर्फ दो लोगों को अंदर जाने की इजाज़त होगी और जो पार्किंग है वो भी दूर बनाई गई है। मैं आपको दिखा दूं कि मुरादाबाद का एक कलेक्ट्रेट है और दूर इनकी पार्किंग बनाई गई है और ये इस तरह से बैरिकेडिंग किया गया है कि जो भी प्रत्याशी हैं वो एक जो नामांकन कराने आया है वो प्रत्याशी और दो लोग और उसके साथ अंदर जा सकेंगे, इसके लिए बाकायदा बैरिकेडिंग कर दी गई है और पुलिस तैनात कर दी गई है और जगह जगह इसी तरह से पुलिस की ड्यूटी लगा दी गई है और खुद एसपी सिटी और एसडीएम जो है वो जो ड्यूटी पॉइंट है उनको चेक कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो 15 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है वो उसके लिए रामपुर और बरेली के लिए मुरादाबाद से पुलिस फोर्स भेजा गया है, 750 पुलिसकर्मी और 150 सब इंस्पेक्टर जो हैं रामपुर और बरेली के लिए भेजे गए हैं। तो कुल मिलाकर के क्योंकि कोरोना संक्रमण काल है तो ऐसे में ज़िला प्रशासन के सामने पंचायत चुनाव को भीड़ भाड़ से दूर रख कर के कराना और जो संक्रमित लोग हैं उनको यहां तक ना आए, संक्रमण ना फैले, इसलिए बहुत सख्ती कर दी गई है और कलेक्ट्रेट परिसर में सिर्फ जो प्रत्याशी नामांकन कराने आएगा उसके साथ में दो ही लोगों को इजाजत होगी और बाकी के जो उनके समर्थक अब देखना होगा। उबैदुर रहमान की ये जो नियम आपने बताया है, ये जो नियम आपने बताया है उबैदुर रहमान, वहाँ पे नामांकन दाखिल करने के लिए जो नियम तैयार किए गए, अब देखना होगा कि किस तरीके से इसका पालन करवा पाता है प्रशासन और फोर्सेज वहां पर और कितना लोग पालन करते हैं इसका, अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। इसलिए आप जाहिर सी बात है नजर बना के रखेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका उबैदुर रहमान। तो देश में बहुत तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 736 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 879 लोगों की मौत। गौर करने वाली बात है, कुछ संख्या घटी है इस बार। संक्रमण के जो मामले हैं इसके पहले के 24 घंटों के मुकाबले में इन 24 घंटों में कुछ कम आए हैं, मामूली सी गिरावट। 168,000 इसके पहले केसेस रिपोर्ट हुए थे, इस बार 161,000 से ज्यादा।